रेखा और मदन घर के एक कोने में बैठे हुए थे क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनके घर के छत से पानी टपक रहा था। ये तो हर बार का है, अब घर के अंदर भी पानी भर जाएगा। एक दिन बारिश होती है तो छत पर पानी जम जाता है, छत की मरम्मत करवानी होगी हमें। कैसे करें मरम्मत, पैसे तो है नहीं, यहाँ खाने तक के पैसे नहीं है। मदन और रेखा इससे बहुत परेशान है। रेखा की सास विमला बीमार है, वो चल नहीं पाती है, इसलिए परेशानी 10 गुना बढ़ जाती है। विमला बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी और छत से उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था। माँ जी अब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक हूँ बहू, सोचा था जिंदगी के कुछ आखिरी साल आराम से बीतेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। कुछ समय पहले इन लोगों के हालात इतने खराब नहीं थे। मदन अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने जाया करता और बाजार में बेच देता था। तब मदन की अच्छी कमाई हुआ करती थी, वो हर रोज 500 रुपए घर ले आया करता था। और उस समय विमला भी बीमार नहीं थी, वे तीनों बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। रेखा, ओ रेखा, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! अरे वाह बेटा, तो कितना ख्याल रखता है हमारा। मछली लेकर रेखा रसोई घर चली गई और वही विमला अपना कमरा साफ करने लगी। और तभी अचानक वहाँ पर एक भयंकर भूकंप आया था। तब उन लोगों का घर बांस और मिट्टी से बना हुआ था, वो घर भूकंप से नहीं बच पाया और वो गिर पड़ा और विमला उस घर के नीचे दब गई थी। बचाओ, मुझे कोई बचाओ! उधर मदन के ऊपर भी कुछ बांस गिर गए और मदन का दाहिना हाथ टूट गया, बस रेखा बच गई। रेखा ने जब विमला को निकाला तब उसे पता चला कि उसके पैरों में भारी जख्म हो गए थे और उसके बाद से विमला चल नहीं पाती। मदन की हालत ठीक नहीं हुई, जो भी कुछ पैसे बचे थे उसी से एक नया छत वाला घर बनाना पड़ा, लेकिन उसके बाद से मदन ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाया। जब मदन नदी में नाव लेकर जाता है तो बाकी मछुआरे उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे क्या मदन भाई, एक हाथ लेकर कितनी मछलियाँ पकड़ लोगे? भैया अब क्या करें, काम चलाने लायक हो जाता है बस, यही बहुत है। ऐसी ही जिंदगी चलती रही और कुछ दिनों बाद बारिश ऐसी कि छत पर पानी जमने लगा, वे लोग और ज्यादा परेशान हो गए। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ पैसे चाहिए थे। कहाँ से लाऊं पैसा, एक हाथ से दिन में 3-4 मछलियाँ ही पकड़ पाता हूँ, छत भी ठीक करनी है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ठीक है अब जाइए, मैं महाजन से पैसे उधार ले आती हूँ। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर पैसा वापस चाहिए, वो भी सूद समेत। हाँ ठीक है, मैं पैसे लौटा दूंगी। रेखा महाजन से 1 महीने के राशन के पैसे ले आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, अब खाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगी। कैसे लौटाओगी, कैसे आएंगे पैसे? मदन भाई, आजकल लोग तालाब में मछली की खेती कर रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा है और हमारे जितनी मेहनत भी नहीं लगती है। हाँ तो फिर आप कीजिए ना। अरे तालाब हो तब करे ना। वही बात है ना, हम गरीब लोग हर तरफ से मारे जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मदन दुखी होकर घर लौट आया और रेखा को भी मछली की खेती के बारे में बताया। रात को फिर से बारिश शुरू होने के कारण घर के अंदर पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये तो रोज का हो गया है, न जाने मैं कब मरूंगी और कब मुक्ति मिलेगी मुझे इन सारी चीजों से। ऐसा मत कहिए माँ जी, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे और आपका ये पैर भी ठीक हो जाएगा। कहाँ से होगा, पैसे क्या पेड़ पर लगेंगे? रेखा चुप हो गई, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। एक बेटा और बहू की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता और सास ससुर का ख्याल रखना, उनको सुख देना, लेकिन जहाँ खाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े वहाँ सुख तो दूर दूर तक नहीं नजर आता। अगले दिन मदन नाव लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज भी मदन को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे ही चलता रहा तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी जी। क्या करूं, पहले 3-4 मछलियां तो पकड़ पाता था, अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया,
मदन को एक भी मछली नहीं मिली। महीने के आखिरी दिन में मदन जाल लेकर नाव के ऊपर बैठा रहा। मदन ने पानी में जाल फेंका, लेकिन उसमें कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों के बच्चे फंस गए। हे भगवान, इन मछलियों के बच्चों का मैं क्या करूं? इन्हें कौन खरीदेगा? जो भी है यही मिला है, यही घर लेकर चला जाता हूँ। रेखा, मेरे पैसे कहाँ हैं? महाजन साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पता था कि तू पैसे नहीं दे पाएगी। मैं तेरी नाव उठाकर लेकर जा रहा हूँ, उसी को बेचकर पैसे मिलेंगे। मदन बहुत दुखी हो गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छत पर कमर तक पानी जम गया था। विमला और मदन बैठकर रोने लगे। हम तीनों मर जाएंगे, अब क्या होगा? तभी रेखा ने देखा कि मदन एक पॉलिथिन में ढेर सारी मछलियों के बच्चे ले आया था और वो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं छत पर मछलियों की खेती करूंगी। छत पर? लेकिन छत पर मछलियों की खेती कैसे होगी? जैसे तालाब में होती है, वैसे भी यह छत तालाब जैसा ही बन गया है। घर में बस कुछ आटा पड़ा हुआ है, इन मछलियों को यही खिलाऊंगी। उसने सारे मछलियों के बच्चों को छत पर जमे पानी में छोड़ दिया और एक महीने के अंदर छत पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरने लगी। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बहू, तुमने करके दिखाया, तुमने छत पर मछलियों की खेती की। हमारी परेशानी को तुमने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। अभी काम बाकी है, मैं इन मछलियों को बाजार में बेच कर आती हूँ। रेखा उन मछलियों को बाजार लेकर चली जाती है और उन्हें बेचकर बहुत अच्छे दाम कमाती है। अरे वाह, इन पैसों से मैं और मछलियों के बच्चों को खरीदूंगी और अच्छा व्यापार करूंगी। रेखा ने वही किया। कुछ ही दिनों में रेखा ने घर की छत ठीक करवा ली और छत के ऊपर ही तालाब बनाकर मछलियों की खेती करती रही। ऐसे करते करते ही वे बहुत अमीर हो गए। उसने अपने पति और सास का ऑपरेशन भी करवाया और वे दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। इस तरह वे लोगों को छत पर मछलियाँ पालने की ट्रेनिंग भी देने लगी। इसी तरह वह अपना कारोबार भी बढ़ाती रही। आसपास के सभी लोग रेखा को एंटरप्रेन्योर बहू के नाम से पुकारने लगे। इसके बाद वे तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हमारे जीवन में समस्याओं पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि सफल होने के लिए उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके प्रयास करना चाहिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और महा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।